अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये हैदराबाद का NTR गार्डन है, तो ये 8:30 बजे तक खुला रहता है। तो सोचे कि चलो NTR गार्डन घूम लेते हैं। तो इस गार्डन में एंट्री है 20 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा आपको एंट्री के लिए। अगर आपके पास कोई बैग वगैरह है तो उसके लिए अलग एक टिकट लगेगा 20 रुपये का, जो आप जमा कर सकते हैं, क्योंकि बैग इसमें अलाउ नहीं है, नहीं जाने देता है। तो बैग आपको अलग से साइड में ही है जो जमा कर लेता है बैग। तो आइए कल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देख रहे हैं NTR गार्डन के अंदर का है, देखिए देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि हम लोग काफी लेट आए हैं। ये शायद 8:15 हो चुका है, 15 मिनट में ये गार्डन बंद हो जाएगा। तो 15 मिनट में जो घूम सकते हैं बस घूम लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं है। चलते रहिए चलते रहिए, लेट हो जाएगा। तो इस गार्डन के साइड में जो देख रहे हैं बड़ी सी प्रतिमा भीमराव अंबेडकर जी का बना हुआ है, इस गार्डन के अंदर नहीं है, वो अलग है बगल में। देखते हैं अंदर और क्या क्या है। अफान कहाँ चला गया अल्लाह, वो तो सिर्फ पानी की तरफ ही भाग रहा है, क्या करे। देखिए अफान को बस जहां तहां पानी दिखना चाहिए। चलिए ना उधर पहले, उधर उधर चलिए। ये गार्डन बहुत बड़ा गार्डन है, हमको लगता है पूरा तो नहीं घूम पाएंगे, बट ट्राई करते हैं जितना घूम सके। तो ये पानी के फव्वारे के साथ अफान मजा लेते हुआ, इसको बस पानी दिखना चाहिए, तो बस मजा ले रहा है पानी के फव्वारे का। बस हम भी एक बार छू ही ले, ये मजा आ रहा। इसमें नहीं तो उतालक था, इसमें पानी वाला कुछ ज्यादा ही सिस्टम है। नहीं चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। बेटा ये समधू नहीं है, ये महल दिख रहा है, ये बहुत बड़ा एक महल टाइप बना हुआ है। ये हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे ये महल किसका है। इसके अंदर महल के अंदर भी जाने देता है क्या? देखिए
अच्छा इस टाइप का स्लाइडर बनाया हुआ है जो आराम से इसे पूरा घुमा करके अंदर से निकल सकते हैं। अब एक बार जाऊंगा सीधा खड़ा होकर देखो ना, आ देंगे आपको कभी ले चलेंगे। गार्डन है, घूमने वाला है, बस आके घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, बस पानी के बस फवारे देख सकते हैं। रंगी बिरंगी झूले सब लगे हुए हैं। थ्री डी सिनेमा भी है। मस्ती कर रहे हैं। बच्चे लोगों के लिए अफान देखिए अंदर जाने के लिए परेशान, रही रही बच्चे लोग के झूले हैं। इधर देखिए बड़े आदमी का झूला। हमको बहुत डर लगता है ऐसा तरह का झूला में। देखिए कुछ बड़े लोग इधर बैठ रहे हैं झूलने के लिए टॉप स्पाइन पर, वो ड्रीम गर्ल वाला झूला है। बेटा के झुलाने के चक्कर में अपने खुद झूल रहे, खुद ही झूलने का मन था तो बाबू झूलेगा करके देख रहे हैं, अपना बचपना पूरा जी रहे हैं बेटा के। देखिए ये कैसा झूला हुआ ये तो लग रहा है रुकू और सजदा करवा रहा है। खतरनाक झूला है, अल्लाह अल्लाह ये तो बहुत खतरनाक झूला है ये तो पेट टूट सब को ही कर देगा ये अल्लाह इतना खतरनाक झूला है। अब शुरू हुआ ड्रीम गर्ल वाला झूला। इतने झूले रंगी बिरंगी है, सबसे भयानक ये झूला है। इधर हमारा बेटा झूल रहा है, इधर और लोग भी देखिए बैठे हैं, इधर बच्चा लोग। और दिख नहीं रहा है उधर सीढ़ी सब बना हुआ कहाँ का है।
देखिए उधर भी तो है, उधर भी लोग जाने, लेकिन रात हो गया, चलिए जितना घूम पाए बस घूम लिए। उधर समुद्री पानी का सीन लगा हुआ, पता नहीं क्या है, नहीं गए तो छोड़िए। बस यही सब है इस गार्डन में। ये ट्रेन है, चलते भी है क्या? बस ऐसे ही है, गार्डन बंद हो चुका है। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग बैग जमा किए हुए हैं, वो बोला है 8:30 बजे आ जाने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि बैग है, लैपटॉप है उसमें, हम लोग को जल्द से जल्द निकलना होगा। बस यही सब है यहाँ। तो हम लोग गार्डन घूम चुके हैं, एग्जिट है इधर। तो ठीक है, इस वाले ब्लॉग में इतना ही। अल्लाह हाफिज करो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा। तो ठीक है, इस वाले ब्लॉग को हम यही अंत करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, प्यार बांटिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।